जेल से बाहर आया राखी सावंत का एक्स शौहर आदिल खान दुर्रानी। हवालात से बाहर आते ही आदिल ने राखी को दे दी धमकी। 7 महीने बाद जेल से बाहर आया आदिल तो बोला, जल्द ही खोलूंगा राखी के हर झूठ की पोल। जी हाँ, आदिल खान दुर्रानी इज बैक। एक बार फिर राखी सावंत और आदिल खान एक साथ सुर्खियां बटोर रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना भाई। आखिर राखी के एक्स शौहर आदिल मियां हवालात के सलाखों के पीछे लगभग 7 महीने बिताने के बाद खुली हवा में जो लौट आए हैं। और जेल से बाहर आते ही आदिल ने हर उस शख्स को सजा दिलाने की ठानी है जिनकी वजह से वो जेल की चारदीवारी के पीछे तक पहुंच गए थे। बीते दिन आदिल खान दुर्रानी को पेपराजी ने मुंबई में स्पॉट किया, तो इस दौरान आदिल ने कैमरों के सामने अपना दर्द भी बयान किया कि उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें फंसाया गया है। इस दौरान आदिल ने खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने राखी को धमकी देते हुए कहा कि वो जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो राखी सावंत की पोल खोलेंगे और पूरा का पूरा सच सामने लाएंगे। सुनिए क्या कहा आदिल ने। इसके बाद जब पेप्स ने आदिल से पूछा कि आप पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का केस लगाया गया था, तो सुनिए आदिल ने किस अंदाज में कहा कि वो जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। आजकल मैं तो कॉन्फ्रेंस करूंगा, बताऊंगा करोड़ों मैंने मुझे देना है या मुझे करोड़ों आने हैं, बताऊंगा। अब आदिल ने तो खुल्लम खुल्ला राखी को धमकी देते हुए अपना सच सामने लाने की बात कह दी है, लेकिन इस पर अभी तक राखी का रिएक्शन नहीं आया है। जैसा कि सब जानते हैं कि बीते साल राखी सावंत की जिंदगी में आदिल खान दुर्रानी नाम के शख्स की एंट्री हुई थी। शुरुआत में आदिल और राखी एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आते थे। राखी आदिल के लिए प्यार के बड़े बड़े दावे करती दिखती थी, लेकिन इसी साल की शुरुआत में पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल गई थी। जनवरी में राखी और आदिल के निकाह की कुछ तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई थी, जिसके बाद ये सामने आया कि दोनों ने बीते साल मई 2020 में ही निकाह कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आदिल के लिए राखी ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था और आदिल की बेगम फातिमा बन गई थी। हालांकि इस खुलासे के बाद आदिल और राखी की लव स्टोरी में हेट स्टोरी वाला ट्विस्ट भी आ गया था, क्योंकि राखी ने एक के बाद एक कई इल्जाम आदिल पर लगाने शुरू कर दिए थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लेकर धोखाधड़ी, धमकाने और घरेलू हिंसा तक के आरोप राखी ने आदिल खान पर लगाए थे। वहीं साल फरवरी में आदिल को डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लगभग 7 महीने आदिल को जेल के पीछे बिताने पड़े थे। जानकारी के लिए बता दें कि शौहर आदिल को जेल भेजने के बाद राखी ने उनसे तलाक का केस भी फाइल कर दिया था। तो इसी साल जून में राखी ने मीडिया को जानकारी दी थी कि आदिल के साथ उनका तलाक कन्फर्म हो गया है। अपने तलाक की न्यूज सुनाते वक्त राखी खुशी में ढोल की ताल पर जमकर नाची और झूमती दिखी थी। इतना ही नहीं, अपने तलाक की खुशी में तो राखी दुल्हन की तरह सजी भी थी। रिपोर्ट E24।